अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित अवैध रूप से बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे दो मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने आज छापेमारी की है। इंस्पेक्टर पीयूष कुमार ने बताया कि उनको काफी समय से सूचना मिल रही थी कि यहां अवैध रूप से स्टोर संचालित है। पुलिस ने श्यामनगर रोड स्थित अतनान मेडिकल स्टोर व फैमिली फार्मेसी से छापेमारी के दौरान 3 लाख की दवाइयां जब्त कर ली हैं। साथ ही कुछ नमूने भरकर प्ले के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि बिना लाइसेंस चलाए जा रहे दोनों स्टोर पर छापेमारी की गई है। भविष्य में भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो बिना लाइसेंस के स्टोर चला रहे हैं या प्रतिबंध दवाओं को बेच रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमें जो है कुछ शिकायतें मिल रही थी कि इस क्षेत्र के अंदर जो है कुछ बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर कार्यरत हैं तथा उनके द्वारा ऐसी औषधियाँ जिनका दुरुपयोग जो है नशे में किया जा सकता है उसका भी जो है यहाँ पे जो है प्रचलन बढ़ रहा है। तो आज जो है मेरठ के दोनों औषधि निरीक्षक प्रियंका चौधरी और मैं पीयूष कुमार शर्मा के द्वारा इस क्षेत्र का जो है औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस बल की सहायता के साथ जो है हम यहाँ पे आए और मौके पे ये फैमिली फार्मेसी है और सामने भी एक फार्मेसी है अदनान फार्मेसी, वहाँ पे हमने उनसे जो है उनका ड्रग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा कि भाई आप जो ये दवा का व्यवसाय कर रहे हैं अपना ड्रग का लाइसेंस दिखाएं। तो दोनों ही दुकानों ने जो है अपना दवा का कोई लाइसेंस इनके पास नहीं पाया गया। मौके पे एलोपैथिक दवाएं भंडारित हैं जो कि नियम विरुद्ध है। विभाग लाइसेंस देता है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, आदमी को अपने घर से ही अपने कंप्यूटर से अप्लाई करना होता है और अपने घर से ही जो है वो लाइसेंस निकाल लेना होता है। तो कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि किसी को जो है कार्यालय आने की आवश्यकता पड़े, लेकिन यहाँ पे फिर भी बिना लाइसेंस के लोग काम कर रहे थे। तो कुछ दवाइयों के जो है संदिग्ध नमूने जो हमें लगा कि नकली हो सकती हैं, ऐसी दवाओं के नमूने हमने लिए यहाँ से। और जो बची हुई आप देख सकते हैं जैसे ये एविल के इंजेक्शन्स हैं, इनका भी जो है यूज़ नशे में हो जाता है, लोग करते हैं इसको। वैसे तो ये दवा है किसी बीमार आदमी के काम में आने के लिए होता है, लेकिन आज के समय में कुछ लोग इसको एज ए नशे में भी दुरुपयोग कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो बाकी दवाओं को हमने सील किया, संदिग्ध दवाओं के हमने जो है नमूने इकट्ठे किए हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी सैंपल की तो उसमें अग्रिम कार्रवाई जो है परिवाद दाखिल करने की संबंधित के विरुद्ध जो है वो की जाए। कितने रुपए की दवा मांगने के लिए जब्तकरण हुआ? देखिए, यहाँ पे तो केवल 50,000 के दवाइयाँ हैं, लेकिन अदनान मेडिकल स्टोर जो सामने कार्रवाई चल रही है वहाँ पे ज़्यादा की भंडारित हैं दवाइयाँ। लगभग कितना मानते चल रहे हैं आप? वहाँ पे मेरी साथी ड्रग इंस्पेक्टर अभी काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे लाखों के अंदर होगी दवाइयाँ। मैं आप इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।